हेलो दोस्तों तो ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया दो लिए पॉज कीजिए सोचिए ईस्ट एशिया कौन सा रीजन है क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे इन दोनों के बीच में नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस को जो है रिड्यूस किया जा सकता है तो दो ऑप्शंस क्या है सबसे पहले ऑप्शन क्या कह रहा है जो मलक्का स्ट्रेट है बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया इनको डीपन करने से द डिस्टेंस कैन भी रिड्यूस्ड दूसरा ऑप्शन कहता है अगर आप क्रा कनाल या क्रा स्थम बना देते हैं राइट तब भी डिस्टेंस जो है रिड्यूस हो जाएगा तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए सोचिए आपने क्या पढ़ा है तो दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए थोड़ा सा आपका जियो जो है आपकी फॉलो की गई होनी चाहिए सो दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग बिटवीन जियो पॉलिटिक्स एंड जोग्राफी के सम अदर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपका आंसर क्या बनेगा टू ओनली ना टू ओनली क्यों क्यों है डिस्कस करते हैं तो स्टैंडर्ड वे क्या है अगर आपने इंडिया से ईस्ट एशिया जाना है यू गो वाया स्ट्रेट ऑफ मलक्का नाउ वी ऑल नो दिस नाउ एक और चीज आई वुड वांट टू टॉक अबाउट कि अगर नॉर्थ स्ट्रेट ऑफ मलक्का व्हाट एल्स कैन बी यू सो देर इज दिस स्ट्रेट दिस इज कॉल्ड सुंडा स्ट्रेट इन तीनों स्टेट को टॉप से बॉटम या बॉटम टू टॉप अरेंज करने के लिए आ, आ, जा, आ सकता है वो भी आप जो है आ, पढ़ाई करेंगे उसके बारे में ना अब आप इमेजिन करो कि अगर इस तरह की कनाल बना दी जाए इस तरह का जो है क्रास्थमस पे अगर कुछ क्रा कनाल बनाई जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा ये जो डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल हो रहा था दैट ही रिड्यूस्ड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सो दिस इज द्रा कनाल जिसकी बात होती है तो अगर यहाँ पे क्रा कनाल बना दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा इसीलिए सेकेंड ऑप्शन आपका हमेशा ही करेक्ट होगा ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का की डीपनिंग की बात की गई है डीपनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने के लिए हमें मलक्का मैक्स समझना पड़ेगा मलक्का मैक्स क्या होता है सो so बेसिकली इस पूरे स्ट्रेट की एक पर्टिकुलर डेप्थ जो है डिफाइंड है उतनी ही डेप्थ है इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ की ही शिप्स यहाँ से पास कर पाएंगी राइट मान लीजिए कि अगर ये पानी है और ये शिप है तो क्योंकि डेप्थ डिफाइंड है 25 मीटर राइट right, तो शिप्स का जो एरिया पानी के नीचे है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइंड होगी क्योंकि 25 से नीचे तो जा ही नहीं सकते ना यानी कि जो बहुत बड़ी शिप्स होती हैं बड़ी कार्गो शिप्स जो कि इस डेप्थ से ज्यादा है वो इस रीजन से पास कर ही नहीं पाएंगे और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए है ये पनामा स्ट्रेट के लिए है जब से पनामा मैक्स कहते हैं और सुएज कनाल के लिए भी है जब इसे सुएज मैक्स कहते हैं आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सुएज कनाल बहुत ज्यादा न्यूज में थी और ये बहुत बार कहा गया कि बहुत नारो होने की वजह से एक एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड है कि उससे बड़ी जो शिप्स है वहां से पास नहीं कर पाती सिमिलरली इज द कॉन्सेप्ट विथ

डिस्टेंस कम नहीं होगा इट दैट और बड़ी शिप्स और ज्यादा कार्गो जो है वहां से फ्लो कर पाएगा लेकिन ये yes, अगर क्रा स्तमस या क्रा कनाल ओपन कर दी जाती है तो इट विल बी पॉसिबल द डिस्टेंस विल बी रिड्यूस रिड्यूसर आंसर इज टू ओनली ठीक है जी

देर इज मोर मॉइस्चर इन दी अपर एटमोस्फेयर और तीसरा द एयर इज डेंस इन द अपर एटमोस्फेयर दो मिनट के लिए पॉज कीजिए सोचिए इन तीनों में आपको क्या समझ में आ रहा है एंड योर आंसर इज वन एंड थ्री ओनली ठीक है तो सेकंड <coughs> क्योंकि गलत है आई विल डिस्कस यू सेकंड वन फर्स्ट सेकेंड वन ना स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है राइट right? गलत क्यों है क्योंकि ना <coughs> मान लो कि आपको बोला हुआ है कि मोर मॉइस्चर है इन दी अपर एटमोस्फेयर

कम होगा इसीलिए आप कहते हो कि जितना जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बिकॉज मैक्सिमम हीटिंग यहीं पे होगी इवेंचुअली जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हीटिंग की वैल्यू भी कम होती जाएगी एंड यस yes, आप बहुत बार पढ़ते हो कि जो भी रेडिएशन अर्थ की सरफेस से जा रही हैं राइट उन बाहर जाते हुए ग्रीन हाउस गैसे उन्हें बाहर नहीं जाने देती राइट right? हीटिंग जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बट शायद हम इसको इस तरह से इमेजिन नहीं करते कि एटमोस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम दी अर्थ सर्फिस So the idea is imagining new things. तो अपर एटमोस्फेयर तो वो कह रहे हैं कि जब आप अपर एटमोस्फेयर में जाते हो तो एयर बहुत ज्यादा डेंस होती है इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो दिस इज अर्थ ठीक है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक अमाउंट तक ही हो Rabbi, तो जाँग 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 होगा ना उसके बाद द ग्रेविटेशनल पुल आल्सो वीकन तो जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होगा एयर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर पाई जाएगी जितना जितना अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से दूर जाते जाओगे अर्थ का खिंचाव कम होता जाएगा वहाँ पर एयर भी बहुत ज़्यादा कम पाई जाएगी और जितनी एयर कम पाई जाएगी इसका मतलब है ऊपर जाते जाते एयर भी लेस डेंस होगी और जितनी एयर लेस डेंस होगी उतना ही वो लेस हीट को जो है होल्ड कर पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा राइट right? ऊपर जाते जाते जो है बिकॉज हीट होल्डिंग कैपेसिटी कम कम हो जाएगी क्योंकि एयर uh, बहुत होगी हैं टेम्परेचर जाते जाते क्या हो जाता है? Low हो जाता जाता है है लो राइट अब अगर मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना चाहूं राइट right? तो अब आपको पता है कि द एटमोस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस हाँ जी आपको पता है कि वेन इट गोज बैक टू दर्फेस तो यहां पे हीटिंग ज्यादा होगी एंड यहाँ पे हीटिंग कम होगी सेकेंड मैंने आपको बता दिया अपर एटमोस्फेयर में मॉइस्चर कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है आपको कैसे सोचना चाहिए था विद हेल्प ऑफ वाटर वेपर और क्लाउड्स एंड द थर्ड वन जो मैंने आपको ग्रेविटेशन के हिसाब से बताया सो वन एंड थ्री ओनली इज योर आंसर ठीक है जी चल

चलिए अगेन अनादर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ बहुत सिंपल सी बात करते हैं दिस दिस क्वेश्चन शुडंट बी रॉन्ग बिकॉज़ हमने पिछले वीक बहुत ही डिटेल में लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया है ठीक है अब देखो क्वेश्चन <coughs> क्या कहता है कि एनुअल रेंज ऑफ टेंपरेचर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में ज्यादा होता है दैन कोस्टल एरिया सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जब कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर होता है राइट मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे जाते हैं लेकिन कोस्टल एरियाज़ पे इसे एक्सट्रीम नहीं होते यूजली आप देखते हो कोस्टल एरियाज में हमेशा ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है तो उसी का आपसे रीजन पूछ रहा है राइट right? तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ बिफोर आई रीड दी ऑप्शन आपको इसका आंसर गेस वर्क हो जाना चाहिए यहाँ से ठीक है मैंने पिछली बार आपको लैंड और वाटर की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस बताया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये डेफिनेटली प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह से ही होगा ठीक है तो दिस इज द ब्यूटी वेन यू सी लेक्चर्स इन कंटिन्यूटी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए

इफ यू नो एवरीथिंग ठीक है अगर आपने थोड़ा सा भी लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों है कि इंटीरियर में मैक्सम मिनिमम ज्यादा है रादर कोस्ट पर मॉडरेट है बिकॉज डिफ्रेंस इन दी प्रॉपर्टी सो थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर जो है रीजन होना चाहिए बट लेट से आपको नहीं भी आता था ना तो भी यू कुड हैव एलिमिनेटेड हाउ देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि कोस्ट पे कम रेनफॉल होती है इंटीरियर पे ज्यादा होती है इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोस्ट पे तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर वेपर है तो कॉन्स्टेंटली क्लाउड्स बनना आसान है उतना ही ज्यादा रेनफॉल होना आसान है इसलिए फोर्थ तो टेक्निकली गलत ही हो जाएगा राइट तो डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इंटीरियर जरूरी तो नहीं है राइट right? अगर ऐसा होता तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंड में आते पर साइक्लोन्स कहाँ आ रहे हैं वाटर में आ रहे हैं जो स्ट्रांग विंड की पॉसिबिलिटी ज्यादा कोस्ट पे है तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो ही नहीं सकती तो अगेन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग तो थर्ड वाला ऑप्शन भी एब्सोलूटली गलत हो जाता है सो योर इज वन एंड टू

सेकेंड ऑप्शन को पढ़ू ना कि ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि <coughs> अगर आपने रेनफॉल के पैटर्न्स एनसीआर में पढ़े हैं राइट तो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में कहा आती है एक तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सो यू लुकिंग फॉर दिस डार्क ब्लू कलर और वेस्टर्न कोस्ट के इन में तो मैक्सिमम रेनफॉल के तो रीजनस ही नहीं है ईस्टर्न कोस्ट में इसीलिए आप देखोगे कि ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा रेनफॉल हो ही नहीं सकती वेस्टर्न से सो द मोमेंट ए द रीजन इज फॉल्स तो आपका डायरेक्टली सी ऑप्शन बन जाता है सो यू डिड नॉट हैव टू सॉल्व द होल क्वेश्चन है लेकिन आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट की राइस का कॉन्सेप्ट क्या है अब आपको रेन फॉल के बारे में पता लग गया अगर हम राइस की बात करें ना तो आप देखोगे एल्वियल सोइल जो है बहुत अच्छी मानी जाती है राइस के लिए ना ना होता क्या है कि अगर आप ये सारे ग्रीन वाले ये वाला रीजन देखो ये काला। दिस इज एल्वियल सोइल कुछ यहाँ पे एल्वियल सोइल है ये जितने भी डेल्टाइक एक है ना अगर आप देखोगे ये सारे बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं फॉर राइस कल्टीवेशन बिकॉज़ ये भी एल्वियल सोइल को कटा करते हैं राइट आल्सो आप देखोगे जितने भी डेल्टा एक है हमेशा ही वहां पे राइस की कल्टीवेशन होती है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट

so that was all for the day uh, i hope you learned something new okay those that was all from mine bye bye